हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो Y28 5G फ़ोन है, तो वीवो Y28 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर अलार्म्स कैसे लगा सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में और अलार्म्स को सेट कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम बताने वाले हैं कि अलार्म्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं वीवो Y28 5G फ़ोन में और फ़ोन में अलार्म्स कैसे लगा सकते हैं फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि अलार्म्स को कैसे अपने फ़ोन से सेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आइकन्स हैं आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो अलार्म्स को सेट करने के लिए सिंपली आप देख सकते हैं कि आपको जाना होगा क्लॉक सेटिंग्स पे। क्लॉक सेटिंग्स पे जाकर जो भी अलार्म्स आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, और फ़ोन में अलार्म भी लगा सकते हैं। जो भी अलार्म आप सेट करना चाहें तो लगा सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं फ़ोन में। देख सकते हैं कि सिंपली आपको यहाँ से ऑन करना है और आपके फ़ोन में अलार्म से सेट हो जाएगा और लग जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्लस पे जाकर टाइम के हिसाब से भी अलार्म्स को आप सेट कर सकते हैं। सिंपली हम इसमें 6 PM अलार्म सेट करना चाहते हैं तो रिपीट भी कर सकते हैं, अलार्म में साउंड भी लगा सकते हैं, और बैक करते राइट पे क्लिक करते हैं तो अलार्म्स आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी अलार्म्स को आप सेट कर सकते हैं और फ़ोन में लगा सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। और देख सकते हैं कि इस तरीके से ऑन करके भी अलार्म्स को सेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ स्लाइड करते हुए सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाकर साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाते हैं, तो यहाँ से अलार्म रिंगटोन्स को ऑन करके अलार्म्स को सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी अलार्म्स को आप सेट कर पाएंगे वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।